नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के पाठ क्रमांक 3.25 के EVS विषय के एक पाठ जिसका नाम है आसपास होने वाले परिवर्तन के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत युक्त नवाचार थीम आधारित उपस्थिति का। तो आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ आसपास होने वाले परिवर्तन, परिवेश में होने वाले परिवर्तन की जानकारी पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनतर उपयोगिता समझते हैं। दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते वक्त बच्चे अपने नाम या अनुक्रमांक के स्थान पर पाठ से जुड़े हुए शब्दों को बोलते हैं, उन कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है शब्दावली, रात्रि, चर प्राणी एवं पेड़ पौधे। इसमें किसी खास पूर्व प्रबंध की ज़रूरत तो नहीं होती। वह शिक्षक बच्चों को ये निर्देश देते हैं कि आपको गतिविधि क्रियान्वयन के दौरान अनुशासन का विशेष ध्यान रखना है और ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि पाठ पढ़ाया जा चुका है कि नहीं। फिर शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपकी थीम जो निर्धारित की गई है वह है रात्रि, चर प्राणी, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे। अब आपको अपना नाम या अनुक्रमांक सुनने पर अपने स्थान पर खड़े हो जाना है और कोई एक रात्रिचर प्राणी, पशु पक्षी या पेड़ पौधों के नाम को बताना है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक ने बोला अनुक्रमांक एक, तो अनुक्रमांक एक वाला बच्चा अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और बोलता है उल्लू, यह एक रात्रिचर प्राणी है। इस तरीके से शिक्षक एक एक करके सारे बच्चों से रात्रिचर प्राणी एवं पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के बारे में जानकारी ले सकते हैं जिससे बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन हो जाता है और वो इसे भूलते नहीं हैं और यह गतिविधि अंतिम बच्चों तक जारी रहती है। तो यह था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है और इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश। आइए जानते हैं CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होता है। तो थीम आधारित उपस्थिति नए नए शब्दों को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे बच्चे न केवल अपनी थीम का नाम याद रखते हैं अपितु यदि कोई बच्चा शब्द के उच्चारण में गलती करता है या उच्चारण के दौरान वो शब्दों को भूल जाता है तो सहपाठी बच्चे उसकी मदद भी करते हैं। तो ये था CWSN वाले बच्चों को इसके लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार थीम आधारित उपस्थिति बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करवाएंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।